दाने दी लकीरें जिसमें जाहिर नाम नहीं तेरा। लिख रहा हूँ दर्द सारे यूं तो शायर नाम नहीं मेरा। इतना भी क्या बेवफा कोई होता है ये सोच कर रात भर दिल ये रोता है। असल में तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, नहीं हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, नहीं हो मेरे। आसमां से क्या खता हुई तारा उसका टूटा क्यों। लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना झूठा क्यों। क्या मजबूरियां कैसी ये दूरियां दिल ये समझे ना। होते हैं प्यार में ऐसे भी इंतहा मैंने अब जाना। ख्वाब ही बस रह गए हैं जिनमें हो तुम हम सफर मेरे। असल में तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मेरे सारे स्टूडेंट से कि प्लीज आप लोग घरों में ही रहें, क्वारंटाइन रहें, ठीक है। आपको तो बहाना मिल गया यार, आप लोग घर में बैठ के गिटार की प्रैक्टिस कीजिए, बाहर ना जाइए। कुछ दिनों के लिए आप लोग अपने को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब ये संकट टल जाएगा उसके बाद आप जम के बाहर जाइए, जम के पार्टी कीजिए, जम के जहाँ भी जाना है कुछ भी कीजिए, लेकिन इस वक्त आपको घर पे रहना बहुत जरूरी है। आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है और दूसरों की सेफ्टी भी आपके हाथों में है, ठीक है। तो आज का गाना जो हम करने वाले हैं, गाने का नाम है असल में संग बाय दर्शन रावल, अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस क्वारंटाइन के टाइम पे मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा इसी गाने को बना लेता हूँ, राइट। और दूसरी और बात दोस्तों कि अभी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो मैंने इस गाने को लो स्केल में गाया है, ठीक है। चाहे कैसे भी गाया हो बट मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उस स्केल पे मेंटेन रखूं गाने को, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी अभी बैठी हुई है, राइट दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग ओनली ऑन एकॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट दोस्तों, सर्च कीजिए मेरा चैनल एकॉस्टिक पहाड़ी, उसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते इस बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। जब ये बेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको, तब आपको मेरी वीडियोस के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं इसके कॉर्ड सेक्शन में। कॉर्ड सेक्शन है सुपर इजी, आपको केपो जो है फर्स्ट फ्रेट पे लगाना है, उसके बाद जो आपके कॉर्ड्स बनेंगे वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला कॉर्ड सी एड 9, राइट दोस्तों, डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड कॉर्ड आपका रहेगा जी, थर्ड कॉर्ड ई माइनर 7, बी माइनर, डी कॉर्ड ए माइनर, और एक कॉर्ड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एक जगह पे आती है, जस्ट ओनली वन प्लेस, दैट इज एफ डिमिनिश 7th कॉर्ड। इस तरीके से दोस्तों, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी हेल्प से आपको पकड़ने में इजी रहेगा। तो ये गाना बजाने के लिए आपको ये सारी कॉर्ड्स आनी चाहिए। दूसरा ऑल्टरनेट बताता हूँ मैं, सी एड 9 की जगह आप सी बजा सकते हो, और जो आपका ई माइनर 7 है उसकी जगह आप ई माइनर भी बजा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाने की ओरिजिनल फील चाहिए तो आपको जो कॉर्ड मैंने बताए हैं 7th वाले, वो आपको ज़्यादा सूट करेंगे इस गाने में। तो ये था इसका क
कॉर्ड सेक्शन। ओके दोस्तों, चलते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न पे। स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक हार्ट बीट वाला और एक विदाउट हार्ट बीट, क्योंकि हर कोई एडवांस वाला हार्ट बीट नहीं बजा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है, जो फील वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है विदाउट एनी हार्ट बीट, वो आपको बताता हूँ। वो बहुत सिंपल है, इट्स लाइक डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। आप एक डाउन की जगह आप म्यूट भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप अप म्यूट अप, ठीक है। म्यूट को आप चक भी बोलेंगे, डाउन चक अप अप चक अप, राइट दोस्तों। ये तो हो गया सुपर इजी पैटर्न। अभी वो स्ट्रमिंग पैटर्न जो थोड़ा एडवांस है और गाने की फील में थोड़ा घुसा हुआ है, वो वाला हार्ट बीट वाला पार्ट है, जो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इजी है, देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसको इजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, किक और स्ट्रम बजाना है। कितनी बार वो आपको बताता हूं, तीन बार, एक दो तीन, ठीक है। आपका ये किक लगेगा और आपकी उंगलियां फिर दोबारा से खोलेंगी, मैं आपको बार बार बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। ऐसे एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, लेकिन एक साथ नहीं करना है, थोड़ा गैप में देना है। कैसे रहेगा, ठक 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 ठक, ऐसे। अगर मैं इसे कंटिन्यू बजाऊंगा तो इस तरह से साउंड करेगा, ठक ठक ठक, एक दो तीन, एक दो तीन। सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान में रखो, एक दो तीन, हर एक सीक्वेंस के बीच में टाइमिंग का गैप होता है, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठक ठक ठक, ऐसे नहीं, ऐसे, ठक ठक ठक, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है दोस्तों। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा दूसरा पार्ट, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे टैप करना है केवल ऐसे, ठीक है। आपके तीन बार होने के बाद आपको यूं टैप करना है, कैसे, ऐसे, राइट। एक दो तीन ठक, एक दो तीन ठक, एक दो तीन ठक, एक दो तीन ठक, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, अप डाउन अप उसमें हल्के से जोड़ देना है, बस बस। ये आपका स्ट्रमिंग पैटर्न खत्म, समाप्त यहीं पे, चैप्टर क्लोज, ठीक है। अब मैं तीनों को कंबाइन करके बजाऊंगा, आप देखो कितना इजी हो गया। एक दो तीन ठक अप डाउन अप, 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 राइट। राइट दोस्तों, इजी था ना, ये था इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। ओके दोस्तों, चलते हैं इसके टैप पार्ट पे, जो इस तरीके से साउंड करता है, बीच में आपने सुना होगा। राइट दोस्तों, ये हम सीखेंगे, बहुत इजी है। आप डायग्राम देखिए तो ये किस तरीके से बजेगा वो देखो। सबसे पहले आपको देखो, जीरो जीरो लिखा है मैंने जी स्ट्रिंग में, तो ये आपकी जी स्ट्रिंग है। ये जीरो जीरो का मतलब है आपको इसको ओपन प्ले करना है, ऐसे ओपन, ठीक है, कहीं दबाना नहीं है, ओपन प्ले करना है दोबारी। उसके बाद आप डी स्ट्रिंग में आएंगे, ये आपका डी स्ट्रिंग है और ये फोर्थ फ्रेट है, ठीक है, आपको यहाँ पर प्ले करना है, राइट। उसके बाद दोबारा आप जी स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे, ठीक है, जीरो जीरो फोर जीरो। तो ये हो गया आपका ये वाला स्टेप, राइट, जीरो जीरो फोर जीरो, उसके बाद दोबारा फोर नीचे जी स्ट्रिंग पे, ठीक है। उसके बाद टू पे जाएंगे जी स्ट्रिंग पे, राइट, फोर के बाद टू, फिर फोर, राइट, इतना आगे समझ में। जीरो जीरो फोर डी पे ऊपर, ओपन जी पे नीचे, फोर जी पे, टू जी पे, वापस फोर, राइट दोस्तों, इतना था। अभी इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो यही पार्ट है, ये वाला, ये वाला बहुत इजी है, 2H4P2, ये पूरा एक ही पार्ट है। अभी देखो आप 2 पे हो, ठीक है, ये आपका सेकंड पोजीशन है, ठीक है, जी स्ट्रिंग के। अभी आपको क्या करना है, 2H4 का मतलब है हैमर करना है, ठीक है, 2 पोजीशन से 4 पोजीशन पे हैमर, ठीक है, ऐसे एक कर दिया। उसके बाद अब उठाना है इसको, बस केवल उठा दो ऐसे, वो वापस 2 पे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, बस ये इतना ही पार्ट था। 2H4P2 का मतलब यही है, ठीक है।
तो ये पूरा आपका किस तरीके से बना? ऐसे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी के जो है वो भी सेम है, थोड़ा सा उसमें अलग है, कुछ सेम रहेगा ऐसे, ठीक है। पहले आप कहाँ गए थे? फोर पे गए थे, यहां गए थे ना पहले आप, लेकिन अब आपको यहां नहीं जाना है, अब आपको वहां जाना है। देखो डायग्राम में साफ लिखा है 00404 पहले वाले में, और दूसरे में लिखा है 00402। अब आपको यहां टू पे जाना है, राइट। फिर जीरो पर डी स्ट्रिंग पे, फिर टू पर, और यहां पर भी अब हैमर करना है ऐसे 0H2P0, ठीक है, जीरो, क्योंकि ये स्ट्रिंग जीरो है, ठीक है। 0H2P0 मतलब जीरो दबाना है, हैमर टू करना है जीरो दबाने के बाद ही, ठीक है। जब आपने इसको ओपन प्ले किया, हैमर ऑन टू, पुल बैक टू जीरो, ठीक है, छोड़ देना उसको। तो 0H2P0 पूरा एक ही पार्ट है, ये वाला, राइट दोस्तों। तो ये पूरा आपका किस तरीके से बना? ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैंने इसमें दो कंबाइंड किए हैं। ये तो मैंने बजा दिया आपके बेस पार्ट में, बेस पार्ट मतलब जो थोड़ा मोटी साउंड देता है। अब इसका पतले पार्ट में भी मैंने बजाया, दोनों को कंबाइंड किया, तो सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। जब आप म्यूजिक में सुनोगे तो आपको समझ में आएगा वो पतला पार्ट मैंने कैसे बजाया, अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो दोस्तों पतला पार्ट इस तरीके से है, राइट दोस्तों, इस तरीके से बज रहा है। अब ये किस तरीके से बज रहा है, इसका शीट भी मैंने आपको दे रखा है। 8 से स्टार्ट होगा, दो बार 8 में, ठीक है, फिर 7 पे, ठीक है, ये 8 पोजीशन है, दो बार बजाया 7 पे, वापस 8 पे, ठीक है, 8 8 7 8, फिर 7 नीचे वाली स्ट्रिंग पे, ई स्ट्रिंग पे, ठीक है, और 5, फिर 7, उसके बाद यहां पर भी सेम करना है। देखो 5H7P5, ये आपका 5 पोजीशन है, ये आपका 7 पोजीशन है, तो ऐसे करना है आपको, ऐसे सेम जैसे ऊपर किया था आपने वैसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 पोजीशन है, 5 हैमर ऑन 7, पुल बैक टू 5, ठीक है, ये 5 है, आपने 7 पे हैमर किया, वापस छोड़ दिया तो वापस 5 पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बना, राइट। और सेकेंड वाले में कहाँ जाएगा आपका? 7 7 8 7, 5 पे डायरेक्टली, ठीक है, सेम वही है, पहले आप यहां जा रहे थे लेकिन अब आपको 5 पे डायरेक्टली जाना है, ठीक है दोस्तों। और अब आपको जाना है थर्ड पोजीशन पे, बी स्ट्रिंग के, ये आपका थर्ड पोजीशन है, ठीक है, यहां पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5, ठीक है, फिर आपको यहां पे भी करना है 3H5P3, राइट दोस्तों। यहां से आप आए 5 पे, उसके बाद जाएंगे 3 पे, 5, राइट, 3H5P3, 3 से हैमर टू 5, बैक टू 3, राइट दोस्तों। तो ये इस तरीके से बजेगा पूरा, राइट दोस्तों। ये था इसका टैप पार्ट। ओके दोस्तों, चलते हैं इसके इंट्रो पार्ट पे, जो इस तरीके से बजता है, आपने सुना होगा गाने में, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बजता है। तो इसका भी शीट मैंने आपको दिया हुआ है, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, 7th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे, ये आपका 7th फ्रेट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू केपो, केपो आपका फर्स्ट फ्रेट पे लगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, केपो आपका फर्स्ट फ्रेट लगा है, तो 7th फ्रेट, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग से 7 हैमर 8, मतलब इस तरीके से, राइट दोस्तों, ऐसे 7 पे है, हैमर करना है 8 पे, प्ले करने के बाद प्ले किया और हैमर किया, ठीक है दोस्तों। ये आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है, हैमर किया, फिर 8 प्ले किया, 7 हैमर 8, फिर एक और बार 8, उसके बाद 7 5 नीचे, राइट, 7 5, ठीक है, उसके बाद 7 पुल 5, ऐसे, ठीक है, ये 5 है, ये 7 है, तो आपको 7 प्ले करना है और छोड़ देना है ताकि वो 5 पे जाए, तो 7P5 बन गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इस तरीके से आया,
ये पुल, ठीक है, 7 पुल बैक टू 5। पहले 7-5 देख रहे हो, जो आप पहला फर्स्ट 7-5 है वो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद पुल ऑफ आएगा ऐसे, ठीक है, 7 पुल बैक टू 5 ऐसे, 7-5, 7 पुल 5, ठीक है, उसके बाद 8 हैमर 7, मतलब 8 हैमर 7 मतलब ऐसे, पहले 8 प्ले करना है और पीछे 7 से हैमर करना है, ठीक है, प्ले करने के बाद ऐसे ऐसे, ठीक है, 8 पहले प्ले होगा, 8 को प्ले करना है और हैमर करना है पीछे, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 पुल 5 से ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, 7 पुल 5 8 हैमर 7, राइट दोस्तों, इस तरीके से बनेगा पूरा, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो दोबारा रिपीट है, 7H88 7 5, यहां तक, ठीक है, ये दोबारा रिपीटेड है यहां तक, ठीक है दोस्तों, 7H88 7 5। उसके बाद जो नया पार्ट है वो रहेगा आपका 3-3-3, ठीक है, बी स्ट्रिंग में, ठीक है दोस्तों, फिर नीचे वाला 3 ई स्ट्रिंग पे, पहले ऊपर 3-3-3, फिर नीचे 3-2, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 5, फिर 2, फिर 0, फिर 3 ऊपर, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट दोस्तों। तो ये पूरा इस तरीके से बना आपका, ठीक है दोस्तों, ये था इसका टैप पार्ट। खुदा ने दी लकीरें जिसमें जाहिर नाम नहीं तेरा, लिख रहा हूँ दर्द सारे, यूं तो शायर नाम नहीं मेरा, इतना भी क्या बेवफा कोई होता है, ये सोच कर रात भर दिल ये रोता है, असल में तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, नहीं हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, नहीं हो मेरे, से क्या खता हुई, तारा उसका टूटा क्यों, लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना झूठा क्यों, क्या मजबूरियां कैसी ये दूरियां, दिल ये समझे ना, होते हैं प्यार में ऐसे भी इंतहा, मैंने अब जाना। ख्वाब ही बस रह गए हैं जिनमें हो तुम हम सफर मेरे, असल में तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे, तुमने हो मेरे,
वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई गेस आपको ये लेसन जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड प्लीज डू कमेंट्स कि आपको ये लेसन कैसा लगा। माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आई डी इज acoustic_पहाड़ी। अगर आपके कोई भी सवाल है गिटार से रिलेटेड तो आप मुझे जरूर पूछेगा, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू देयर। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से दरख्वास्त है दोबारा कि आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। विल बी कमिंग बैक सून विद मोर सॉन्ग्स एंड मोर लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।